ईद की नमाज के बाद मंगलवार को ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। सोमवार को ईद के चांद का दीदार होने के साथ ही फिजा में ईद मुबारक की सदाएं गूंज उठी। सड़कों पर नमाज अदा नहीं करने के फरमान के बाद ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए भीड़ नजर आई। वहीं पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रही। वहीं मुस्लिम बंधुओं ने सुबह सवेरे ईद की नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। 2 साल बाद लोगों ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा की। सिगरा के बड़ा ईदगाह पर भी मुस्लिम बंधुओं ने इकट्ठा होकर ईद की नमाज अदा की। इस दौरान गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिली। हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को शरबत पिलाकर ईद की बधाई दी। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब का शहर है बनारस, आज ईद है और तमाम हमारे हिंदू साथियों ने मिल करके आज तमाम ये जो बड़ी ईदगाह है यहाँ पर ईद का नमाज अदा होता है और हर वर्ष हम लोग भगत सिंह यूथ फ्रंट के बैनर तले तमाम नमाजी साथियों को हम लोग रुआबजा और शरबत पिलाते हैं और उनकी दुआओं को हम लोग अपने ज़िंदगी में कलेक्ट करते हैं। ये एक आपसी प्यार और सौहार्द का माहौल होता है। हम अगर ईद मनाते हैं अपने मुस्लिम साथियों के साथ तो हमारे जो मुस्लिम साथी है वो हमारे साथ जो है होली और हमारी शिवरात्रि भी मनाते हैं और सिर्फ बनारस में ही हो सकता है। मुस्लिम बंधुओं ने कहा कि 2 साल बाद सबके साथ इकट्ठा होकर ईद की नमाज अदा की गई है। जो लोग भ्रम फैलाते हैं वो काशी में आकर देखें कि यहाँ हिंदू मुस्लिम किस तरह मिलकर रहते हैं। ये पैगाम पूरे मुल्क में जाना चाहिए। 2 साल बाद आज ईदगाह मस्जिदों में नमाज अदा की गई, क्या कहना चाहेंगे, आज क्या मांगा? बहुत अच्छा लगा, 2 साल के बाद जो है हमको यहाँ आने का मौका मिला, बस मालिक का शुक्र है। क्या दुआ किया? दुआ बस अमन और चैन का कायम रहे, भाईचारगी रहे और यही तो सबसे बड़ी चीज़ है, और क्या चाहिए? और खुशहाली रहे देश में, बस और क्या। ठीक है जी, 2 साल के बाद ईदगाहों में इतनी रौनक दिख रही है, क्या उत्साह रहा लोगों में? देखिए, 2 साल जिस तरह से कोविड में गुजरा, पूरे देश में हर धर्म के लोगों ने इसका परहेज किया था। 2 साल के बाद ये जो ईद की नमाज हम सबको नसीब भई है, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि इसी तरह का देश में अमन चैन शांति बरकरार रहे और इसी तरह ईद की खुशियाँ हर दिन हिंदुस्तान में कायम रहे। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट।